ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो कहते हैं कि इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा लेकिन क्लियर नहीं हो पाता, असफल हो जाते हैं। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना, जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में रख। नमस्कार, मेरा नाम है रूपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मोटिवेशन रहने वाली है सीजी व्यापार क्रैक करने वालों के लिए है। जैसे कि देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अगर आप मन में ही हार मान लेते हैं तो आपको एग्जाम कैसे क्लियर होगा, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो जो टॉपिक बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो जो कहते हैं ना कि मैं इस बार एग्जाम क्लियर कर लूंगा लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। वो कहते हैं ना कि इस बार एग्जाम आने दो फिर मैं क्लियर कर लूंगा। पहले तो अपना बेसिक क्लियर कीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि सर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जो भी एग्जाम आएगा उसको क्लियर करूंगा। पहले आप बेसिक क्लियर कीजिएगा, इसके बाद आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा अपने आप। मेहनत कीजिएगा, कठिन परिश्रम कीजिएगा, कैसे नहीं होगा एग्जाम क्लियर। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब आप मेहनत नहीं करोगे, जब आप बुक नहीं पढ़ोगे, सिलेबस कवर नहीं करोगे, आप नोट्स नहीं पढ़ोगे, तो आप आईएएस एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, ये पहले बताओ। जो कहते हैं ना कि जैसे सोचोगे वैसा बनोगे, पहले आप अच्छी मेहनत कीजिएगा, पहले आप सोचो मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, आप जरूर बनोगे। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, चाहे पीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, कोई भी विभाग हो। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे कि कहते हैं कि कोई मोटिवेशन ऐसा रहता है ना, देखिए कोई कहता है कि इस बुक से फॉलो करो, कोई कहता है कि उस बुक से फॉलो करो, कोई और कह रहा है कि आप नोट्स पढ़ो इससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। पहले आप बेसिक कीजिएगा, आप एक बुक उठाइएगा और एक बुक को अच्छे से 5 से 6 बार पढ़िएगा, आपको कैसे क्रैक नहीं होगा एग्जाम। कोई कहता है कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस बुक से पढ़ाई करो, करके पहले मेरा भी हाल ऐसे ही हुआ करता था, डिमोटिवेशन हो जाता था, है ना। देखिए कोई कह रहा है कि आप सर इस बुक से फॉलो करो, कोई बोल रहा है कि मैं इस बुक से फॉलो करूंगा। आप इधर उधर मन नहीं भटकाना है आपको, कोई एक बुक पढ़ना है, सभी बुक अपनी जगह सफिशियंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी अलग अलग होगा, सभी बुक अपनी अपनी जगह सफिशियंट है ना। जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस को अच्छे से 2-3 बार रीड करो, उसके बाद आप पढ़ाई करो। और कोई एक बुक उठाओ पहले, है ना। मैं नहीं कहता हूँ सभी बुक पढ़ने से अपनी ज्ञान मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो ना भाई। ज्ञान के लिए थोड़ी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेना है आपको, ज्ञान नहीं अर्जित करना है आपको। सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद आप पढ़ाई करो, जितना ज्ञान अर्जित करना है करो ना भाई। उससे आपको कौन मना करता है, मैं तो नहीं करूंगा मना, कोई आपको मना नहीं करेगा। पहले आप सिलेक्शन लेना, है ना। एक मोटिवेशन के लिए ये वीडियो है ना। बोलते हैं कि सर ये बुक पढ़ने से अच्छा है वो बुक, पहले आप एक बुक को उठाओ, एक बुक को 5 से 6 बार रीड करो, आपको खुद लगने लगेगा डेली। आप तो पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा। टाइम कई लोग कहते हैं कि सर मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, 14 घंटा पढ़ता हूँ। पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं होता, आपको याद होगा लेकिन आप 4 घंटे पढ़ जाएगा, है ना। 4 घंटा अपने समय निकालिएगा, 10 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर दिमाग आपका फ्रेश है, अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं। कोई बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इधर बुक पढ़ रहा है, इधर मोबाइल देख रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। अब मोबाइल पकड़ लिया, मोबाइल पकड़ने से रील चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना, ये थोड़ी ना होगा। आप पढ़ने से सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिएगा, चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप सिलेबस कवर करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर थ्योरी आगे टू टेस्ट मॉक टेस्ट सभी दीजिएगा। अगर आप लोग बुक ही नहीं पढ़ोगे और मैं आईएएस बनूंगा, व्यापम क्लियर करूंगा, पीएससी क्लियर करूंगा, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा सबसे पहली बात। और आपको कोई भी एग्जाम निकालो 6 महीना लगता ही है, 6 महीने आप अच्छे से कवर कीजिएगा, अच्छे से 6 महीने के 3 महीने भी आपका कवर हो जाएगा, व्यापम भी आपका 3 महीने में कवर हो जाएगा अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या पता है आपको, प्रैक्टिस। ये कहावत है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में ही आप हार मान लोगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, दिन रात प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम देने से पहले अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे बुक को 5 से 6 बार पढ़ लिए, इससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, चाहे
कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो यही आप मान लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर पढ़ने से मतलब ही क्या रह गया, पढ़ने से मतलब ही क्या रह गया जब आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। आपको एग्जाम क्लियर तभी होगा जब अच्छे से मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे लगन के साथ, है ना। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं सिलेबस। जैसे देखिए सिलेबस सबका अलग अलग होता है, जैसे व्यापा में बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, अभी प्रयोगशाला परिचालक भी वैकेंसी जारी किया गया है ना, तो सभी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले आप ये स्टार्टिंग चीजें पढ़ो। मेरे कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि जो आपको सभी में कॉमन लगे। अब हॉस्टल वार्डन में देखो मैथ्स है, एडीओ में मैथ्स नहीं है, हैं? अब हॉस्टल में आपका पूरा छत्तीसगढ़ है, रीजनिंग नहीं है उसमें, तो सभी सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जिसमें जो कॉमन है उसको पहले अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और जो आपको कठिन लगता है उसको पहले तैयारी कीजिएगा। आपका कैसे कवर नहीं होगा, आपका एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होगा। मैं 6 से 7 बार एग्जाम दिया हूँ फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता, वो भी क्लियर होगा। अब इस बार नेक्स्ट टाइम देखो, नेक्स्ट टाइम एग्जाम आएगा मैं इसको क्लियर कर ही लूंगा, उसके लिए मेहनत करो दिन रात, आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता नेक्स्ट में हो जाएगा, लेकिन एक बार मेहनत करके देखो, प्रैक्टिस करो। सबसे पहले यह जरूरी है कि सिलेबस अभी प्रयोगशाला परिचालक में सिलेबस छत्तीसगढ़ की वेटेज ज्यादा है ना, और प्रयोगशाला में आपका देखिए उसमें स्वीपर है, चौकीदार है, नृत्य बहुत सारे अलग अलग है जिसमें छत्तीसगढ़ के वेटेज उसमें ज्यादा है, जबकि प्रयोगशाला परिचालक में 60 नंबर के सामान्य विज्ञान है। और मैथ्स आपको नहीं पूछा है, इंग्लिश नहीं पूछा है, हिंदी नहीं पूछा है ना, तब दिन रात मेहनत करो, छत्तीसगढ़ को अच्छे से कवर करो। कोई भी बुक उठाओ उसको 5 से 6 बार रीड करो, ध्यान से समझो, पढ़ो, आपको प्रैक्टिस करो, कैसा आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपका एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होगा। मैं कहता हूँ एग्जाम क्रैक होगा। हॉस्टल वाला नाम क्या है, हॉस्टल वाला नाम आपको कंप्यूटर ज्यादा है, मैथ्स 20 नंबर है, छत्तीसगढ़ 20 नंबर। ऐसा है कि जो छत्तीसगढ़ है आपका, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 15 से 20 नंबर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सीजीपीएससी प्री का अभी नोटिफिकेशन आया है जिसका अभी 2024 में होगा 11 फरवरी को। इसका प्रारंभिक तिथि है आपका 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, और 30 दिसंबर को इसको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो सीजीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ का आपका पूछे जाएगा 50 नंबर के आसपास, है ना। तो मेन आपका यह है कि सभी एग्जाम में कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जो कॉमन है, तो वो है आपका स्टैटिक जीके, छत्तीसगढ़, हिंदी, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वो टॉपिक उठाइएगा जो हर एक एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाए, तो आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। और आप बोल रहे हैं कि सिलेबस अलग है और पढ़ अलग रहे हैं, यही तो है ना डिफरेंट, पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट होता है। आप नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या फॉलो कर रहे हो, पहले आप एक चीज को अच्छे से कवर करो, एक चीज को बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। आई होप कि यह वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिल रहा होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कुछ, अगर आपको मोटिवेशन गाइड मिला होगा तो, है ना। यही मैं अपने जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वही आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। चाहे तो आप देख सकते हैं, है ना, अगर आप जैसे व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। अगर मुझे समय मिल जाता है तो कभी कभी मैं लाइव क्लास ले लिया करता हूँ, अन्यथा मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी इधर उधर की व्यस्तता हो जाती है, इस काम से हम आपको लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, है ना। तो जितना हो सके मैं अपलोडेड करने का प्रयास करता हूँ रिकॉर्डेड, जो कि आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री मिलेगी, और मेंबरशिप में अगर क्लास करना चाहते हो तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। उसमें आपका जो कोर्सेज रहेगा, है ना, 3 महीना 6 महीना ऐसा है, जो 999 रुपये से स्टार्ट है, कम वाले भी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको तैयारी भी करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भी मिलता है, है ना, और जो जो नोटिफिकेशन आता है उसको भी बताया जाता है। मैं यही एक मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाया था कि अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, तो आपके लिए ये बेहतर साबित हो सकता है।
है ना। अगर मेरा वीडियो आई होप कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर कुछ आपको मोटिवेशन लगा हो तो मैं बस यही कहूँगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले आपको मेहनत लगता है, आप मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिएगा, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टेस्ट दिलाओगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अगर कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो एक ही बात याद रखना, सिर्फ प्रैक्टिस। पहले अपने बेसिक क्लियर कीजिएगा, जितना हो सके आप बुक पढ़ो, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर जिस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो उसका पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ो। सिलेबस को पढ़ने से पहले आप जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो उसको पहले से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नया साल आने से पहले आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगाने का सेट मिलेगा। आप 20,000 जितना लगा सको, आप डेली 100 प्रश्न पढ़ो, 100, 200, 300 ऐसे आप टारगेट रखो कि इस टॉपिक से इस टॉपिक से इस बार हम अध्ययन कर पाएंगे। इस प्रकार आप अध्ययन करें और टॉपिक करें, इतना गोल आप सेट करें, जो भी गोल सेट करना है आप एक दिन में अपना जो टाइमिंग है आप व्यस्तता बनाए रखिएगा और उस हिसाब से आप पढ़िएगा। मतलब एक दिन में जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको पूरा क्लियर कीजिएगा, चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, सामान्य हो, कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, है ना, छत्तीसगढ़ हो, स्टैटिक चीजें हो, है ना, कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले उसको इस दिन इतना पढ़ना है, ये अगर आप निश्चित कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी के साथ 6 महीने या 3 महीने आपका क्लियर हो जाएगा। बस यही है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय हिंद।